एम्स बठिंडा से आए कोविड 19 वर्कर्स को सुविधा नहीं मिली है और वर्कर्स के मुताबिक अस्पताल में ना तो खाना अच्छा है और ना ही रहने की कोई सुविधा है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्रा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि हमारे द्वारा खाना अच्छा दिया जा रहा है। तो बठिंडा एम्स की तरफ से सर हम आए, हमें बोला गया वहाँ से कि आपके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था, खाने की सब अच्छी व्यवस्था होगी। हम आ गए सर, उस टाइम हमने देखा यहाँ की हालत रहने लायक नहीं थी हॉस्टल की, और उसके बाद में खाना खाया शाम को, वो भी एडजस्ट किया। शाम को बोल दिया चावल ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए, फिर भी हम खा के सो गए। उसी शाम को सर को कंप्लेन करी, सर भी आए, नोडल ऑफिसर सर से भी बात करी, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में SDM सर आए थे, उन्होंने उस दिन आश्वासन दे के गए थे सबको कि आज आप सो जाओ और अगले दिन आपको हम अच्छी जगह शिफ्ट कर देंगे, अच्छा खाना दे देंगे। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ, ना शाम तक कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में हमने कुछ खाना भी नहीं खाया। हम ड्यूटी पे आए, टोटल ड्यूटी पे हमारी मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 2 बजे से, इवनिंग में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक हमने प्रॉपर ड्यूटी करी है, प्रॉपर एंट्री करी है। यहाँ पे हॉस्पिटल से हमें 1% भी इश्यू नहीं है। हम अभी भी ड्यूटी करने से नहीं कतरा रहे, हम तैयार है ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी के प्रति 1% भी इश्यू नहीं है। हमने इनको यही बोला था कि आप दाल रोटी दे दो, टाइम पे खा लेंगे हम, और सोने के लिए अच्छी जगह दे दो। ड्यूटी हम एम्स में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इससे पहले एम्स रायपुर में भी करके आया हूँ, 1 PP नहीं, 100 नहीं, कम से कम भी 200-300 PP पहने में नहीं। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि 300 PP नहीं जी सर, एक नहीं 300-400 PP पहनी मैंने। मेरे को 1 साल हो गया सर, मैं पहले एम्स रायपुर में सर्विस था, वहीं से स्टार्टिंग था सर। और यहाँ हमको डिमांड इतनी थी, हमको खाने का अच्छा दे दो और रहने के लिए अच्छा दे दो, वो नहीं, कहीं नहीं दिया, कोई इंतजाम नहीं किया, मतलब किया है वो खाने लायक खाना नहीं था, इनसे कुछ इंतजाम नहीं हुआ। फिर बाद में बोले आप जा सकते हो। 6 बजे पहला साडा बंदा गया जी, इन्होंने जो अपना ठेकेदार से जो उत्ते होस्टल का सुपरिटेंडेंट है भी, अब तुम किन्ने बजे खाना दई है जी, देख लिया जी, तुम अभी खाना कि नहीं खाना तुम्हें दसागे। 8 बजे 4 जने वो गए जी, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ, 2-2 ਪਰੌਂਠੇ ਬਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਵਧੀਆ ਪਰੌਂਠੇ ਨੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ।